कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। तब खौफ समझ जाता है कि उसके आने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आरआरआर के साथ देश और दुनिया में धमाल मचाने के बाद जूनियर एनटीआर ने अपनी अगली एक्शन पैक्ड फिल्म देवरा पर काम शुरू कर दिया है। वो उनकी 30वीं फिल्म होने वाली है। जब से देवरा की शूटिंग शुरू हुई है तब से जूनियर एनटीआर के फैंस इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर की देवरा पर नए अपडेट का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक एक्साइटिंग खबर है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर कोराताला शिवा ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि देवरा अपनी शानदार कहानी के कारण दो पार्ट्स में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी तटीय भारत की भूली हुई भूमि पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद इसकी कहानी और बड़ी होती गई। फिल्म के हर किरदार को गहराई से दिखाने की ज़रूरत है, जिसे एक पार्ट में सही तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए इस फिल्म की बड़ी कहानी के कारण फिल्म को दो पार्ट में बनाने का निर्णय लिया है। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में हैं। फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को हर तरह से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देवरा की शूटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले जाह्नवी कपूर ने फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपको बता दें कि फिल्म देवरा का पहला पार्ट 5 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में पैन इंडिया रिलीज होगा। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।